नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है DFCCL की तरफ से। DFCCL भर्ती का लंबे टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे, आखिर खुशखबरी आ ही गई है दोस्तों। DFCCL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके टोटल 535 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आज की स्टूडियो पर डिटेल में बात करने वाले, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट रहने वाले, सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में, अप्लीकेशन फीस के बारे में, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले मिलती रहे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह सबसे पहले वहां पर मैं डालता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे इनकी तरफ से अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इनका जो पिछला नोटिफिकेशन है 2021 वाला, अपने पास में कंप्लीट नोटिफिकेशन है, तो वही सेम वैकेंसी यहां पर भी रखी गई है। तो सारी की सारी चीजें वो सेम रहने वाले, सब चीजों के बारे में अपने को अभी से पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन इनके आवेदन मांगे जाएंगे, 2-3 दिन बाद में आवेदन स्टार्ट होंगे, डेट के बारे में भी अपने बात करेंगे। देखिए वैकेंसी के बारे में बात करें तो एजुकेटिव सिविल की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहां पर 50 वैकेंसी रखी गई है। अब 50 वैकेंसी जो एजुकेटिव सिविल की है, तो इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर पाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो पिछला अपन नोटिफिकेशन देखें, एजुकेटिव सिविल की पिछली बार 73 वैकेंसी आई हुई थी। जिन बच्चों ने डिप्लोमा सिविल में कर रखा है मिनिमम 60% के साथ में, तो वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अन जीरो कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है सभी वैकेंसी में 30 वर्ष रहने वाली है, बाकी SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी आ रही है एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल की, ठीक ठाक वैकेंसी रखी है, टोटल मिलाकर यहां पर 30 वैकेंसी रखी गई है। अब एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में आपके पास में डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 60% के साथ में, तो आप यहां पर आवेदन कर पाओगे। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है एजुकेटिव ऑपरेशन एंड BD यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, यहां पर काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, टोटल मिलाकर के 235 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। ऑपरेशन BD में अपना बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो किसी भी स्ट्रीम में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है, BA है, BSc है, BCom है, कोई भी डिग्री है 60% के साथ में, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों एजुकेटिव फाइनेंस है, तो यहां पर भी नॉन टेक्निकल डिग्री होंगे। एजुकेटिव ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें भी नॉन टेक्निकल डिग्री मांगी जाएगी। एजुकेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहां पर टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी रखेगी। एजुकेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें डिप्लोमा जिन बच्चों ने IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों ने कर रखा होगा, वो बच्चे यहां पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से यहां पे इन्होंने एजुकेटिव कैटर की वैकेंसी रखी है। उसके बाद में आती है जूनियर एजुकेटिव की वैकेंसी, जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल मिलाकर के यहां पे 24 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल में अपन बात करें यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो देखिए जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल की पिछली बार 135 वैकेंसी आई हुई थी, 60% के साथ में आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और 2 साल का आपने ITA का कोर्स कर रखा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिशियन में या फिर वायरमैन ट्रेड में, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हो। फ्रेशर्स बच्चों के पास में बहुत ही जबरदस्त अवसर है, आपके लिए परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। नंबर 8 पे देखिए जूनियर एजुकेटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए अच्छी वैकेंसी है, 148 यानी कि 148 वैकेंसी रखी गई है। सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में बहुत सारे ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कम्युनिकेशन वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रेडियो एंड TV है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा नेटवर्क वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट यहां पर भी IT वाले बच्चों के लिए भी अंडर जीरो कैटेगरी के लिए 30 वर्ष है, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। उसके बाद में जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है, तो इसकी टोटल मिलाकर के 9 वैकेंसी रखी गई। जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल में अगर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो IT आपने कर रखी है, यहां पर देखिए फिटर ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप यहां पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले। अब आवेदन करने के बारे में बात करें तो 20 मई से इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, यानी कि 3 दिन बाद में इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, शाम को 4 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 19 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। बाकी इन्होंने लिखा है भी डिटेल में जो फुल नोटिफिकेशन है इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, हालांकि इन्होंने अभी तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो 20 तारीख से इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, तो उम्मीद है कि कल या परसों तक
इनका फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जब भी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 2 घंटे का आपका एक CBT एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा जहाँ पे आपको टोटल 120% पूछे जाएंगे, 96 आपको अपने ट्रेड से संबंधित और ब्रांच से संबंधित टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे, 12% आपको GK के प्रश्न पूछे जाएंगे, 12% आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है। देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कि गुवाहाटी है, अहमदाबाद है, पटना है, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, रायपुर, लखनऊ, मुंबई, कोटा, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ वाली है आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है उनमें 900 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में पिछली बार चार्ज रखा था, IIT वाले बच्चों के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा था, बाकी SC ST के जो बच्चे हैं उनसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा एलिजिबल है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है और जो बच्चे डिप्लोमा सिविल से, यहाँ पे जो भी वैकेंसी आपके जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी है तो जूनियर इंजीनियर लेवल के अच्छे हिंदी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। और IIT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए भी हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही शानदार नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो नोट्स भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर करके वो नोट्स मंगवा सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट है, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। DFCCL की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है और वैसे भी काफी सारी वैकेंसी अभी आ रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि BA से भी वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी में आपको अभी कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।